अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आतिफ सैयद अंजुम है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपसे इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की ऑफिशियल वेब पेज है और उसकी जो वेबसाइट है उसके ज़रिए आपसे कनेक्टेड हूँ। इस वेबसाइट के ज़रिए डिफरेंट टॉपिक्स जिनका तारुफ न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी और डिफरेंट मेंटल हेल्थ इशूज़ के लिहाज से होता है, तो मैं इस पर डिफरेंट मेरा आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों में ज़हनी और नफसियाती मसाइल की बुनियाद और उनके रीजंस और उसको तशखीस कैसे करते हैं और बाद में उसको तशखीस करने के बाद आप उसको कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे उसको ट्रीट करते हैं, क्या क्या उनके तरीके का। पहले तो मैं आपसे ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ का मतलब ये होता है कि ओवरऑल वेल बीइंग जो होती है बच्चों की, जिसमें उनकी कॉग्निटिव या थिंकिंग या बिहेवियर या उनके इमोशंस, उनका एटीट्यूड, उनका वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग वो एक नॉर्मल तरीके से एज अप्रोप्रिएट तरीके से जब हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि ये बच्चों की ज़हनी सेहत एक नॉर्मल पराहे में है, एक नॉर्मल पैटर्न में है, जिसमें बच्चे की थिंकिंग, उसकी परसेप्शन, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, ये सारी की सारी एज अप्रोप्रिएट होती हैं, उसकी उम्र के लिहाज से होती हैं और वो उम्र के लिहाज से उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करता है और अपने एनवायरनमेंट में उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ये तो होगी मेंटल हेल्थ, जो कि एक नॉर्मली एक नॉर्मल फिनोमेना होता है और हमारे नॉर्मल लिविंग के लिए ज़रूरी होता है। जब हम बात करते हैं मेंटल इलनेस की, तो मेंटल इलनेस या ज़हनी बीमारी जिसे आप कह लें या ज़हनी तनाव कह लें, उसका जो उसको हम एक्सप्लेन इस तरीके से करते हैं कि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में जो कौन के थिंकिंग है या उनके इमोशंस हैं, जो उनके बिहेवियर है, जो उनके एटीट्यूड है, जो नॉर्मल से डिविएट किए कर रहा है, जो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, बल्कि उस जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उसमें भी उनके लिए भी वो प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, उनके जो पीयर्स के लिए भी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, तो ज़हनी सेहत की एबनॉर्मलिटी एक तरह का ऐसा इशू है जिससे ना सिर्फ ये है कि बच्चा जब उसको उसमें मुतला होता है, ना सिर्फ वो उससे इफेक्ट होता है उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, उसकी सोशलाइजेशन, उसकी स्कूलिंग, उसकी पीयरशिप डिस्टर्ब होती है, बल्कि दूसरे लोग भी उससे ये चीज़ें जो नॉर्मल पेराइम नहीं होती, तो फिर हम उसे कहते हैं कि बच्चे को ज़हनी या नफसियाती या असाबी मर्ज है। अब एज ग्रुप की मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, वो एज ग्रुप जो अगर आप बिहेवियर, इमोशन और नॉर्मल थिंकिंग पैटर्न या सोच के हवाले से जब अगर आप कहते हैं, तो आमतौर पर इस एज को हम 3 to 16 ईयर्स या 17 ईयर्स तक की एज होती है जो बच्चों में, जिसे हम पीडियाट्रिक साइकेट्रिक कह रहे हैं या पीडियाट्रिक साइकोलॉजी की जो एज लिमिट है वो आमतौर पर 3 साल से 17 साल तक या 16 साल तक उसको काउंट किया जाता है। तो आमतौर पर जब इस उम्र में बच्चा जब आपके पास आता है, और ख़ासतौर पर जब वो बच्चे की एज जो है वो 5-6 साल की होती है, 7 साल की होती है, 8 साल की होती है, तो जब वो किसी फिज़िकल प्रॉब्लम के साथ आता है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा हेडेक के साथ आ रहा है, एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है, बॉडी एक्स के साथ आ रहा है, या उसको और किसी किस्म की अनयूजुअल किस्म की कोई उसकी कंप्लेन है, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट जब हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, जब हम उसको असेस करते हैं, तो जब हमें कोई उसमें फिज़िकल एलिमेंट जब उसमें हमें नज़र नहीं आता, हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसका ताल्लुक फिजिकल इलनेस से हो, तो हमारा जहन फौरन जो है वो मेंटल इलनेस की तरफ जाता है या कुछ ज़हनी अमराज की तरफ जाता है जो बच्चों में हो सकते हैं। जब हम पेरेंट्स से इस चीज़ को शेयर करते हैं, तो पेरेंट्स का जो एक रिफ्लेक्स थी, एक रिस्पॉन्स ये आता है, नहीं जी ये तो बच्चा है, इसको कैसे कोई नफसियाती प्रॉब्लम हो सकता है, हम इसके खाने पीने का ख्याल करते हैं, इसको हमने बहुत अच्छे स्कूल में डाला हुआ है, इसको हम अच्छी डाइट दे रहे हैं, इसको अच्छी कोचिंग हम भेज रहे हैं, इसका बहुत अच्छा माहौल है, इसका लिविंग स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा है, दूसरे बच्चों से
बेहतर है जो उसके पीयर्स हैं, तो उसको क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो पेरेंट की तरफ से ये एक तरह का डिनाइल की स्टेटमेंट आती है जिसकी जिसे जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हों, साइकेट्रिस्ट हों या साइकोलॉजिस्ट हों, उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो ये डिनाइल का एलिमेंट पेरेंट्स की तरफ से आना एक नेचुरल अमर भी है, ज़्यादा पेरेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारा बच्चा जिसके हम हर तरह की जहनी जिस्मानी और उसकी फिजिकल ज़रूरियात हम उसकी पूरी कर रहे हैं, तो वो इस लिहाज से उसको कोई जहनी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन जो हकीकत है वो इसके बरक्स है, बच्चों में भी बिल्कुल जहनी अमराज या नफसियाती मसाइल या साइकोलॉजिकल मसाइल होते हैं, और इनके होने की भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। ये जो होते हैं इसके पीछे भी कोई ना कोई एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई काज, कोई रीजन्स, कोई एटियोलॉजी या जिसे हम साइकोपैथोलॉजी कहते हैं, कोई ना कोई साइकोपैथोलॉजी ऐसी होती है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये जहनी और नफसियाती मसाइल आते हैं। अब इन जो उसके साइकोपैथोलॉजी है या जो उनके काजेज हैं मेंटल इलनेस के बच्चों में, उनको आमतौर पे हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें नंबर वन बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, दूसरे साइकोलॉजिकल और तीसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो पहले मैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करूँगा, तो बायोलॉजिकल फैक्टर का ताल्लुक आपके पूरे के पूरे जेनेटिक जो मेकअप से है, आपकी पूरे की पूरी बॉडी की फिजिक्स के साथ है, बॉडी की जो आपकी डेवलपमेंट है उसके साथ है, और ख़ास तौर पे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, आपके हार्ट का सिस्टम है, लंग्स का सिस्टम है, GIT है, आपके लीवर है, किडनीज वगैरह हैं, तो दूसरे इंडोक्राइन ऑर्गन है, डिफरेंट जो ऑर्गन है, डिफरेंट सिस्टम है, ये सब के जो है एक रिदम के तहत काम करते हैं। लेकिन जब इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हम उससे कहते हैं कि ये पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी होती है जिसको हम आज के जो टॉक चुके हैं हम मेंटल हेल्थ के बारे में हैं, तो चूँकि जब हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं बच्चों की जहनी सेहत के बारे में, तो बच्चों के अंदर जो बायोलॉजिकल फैक्टर है उसमें होता है कि बच्चे का डिफरेंट हिस्से होते हैं जिसमें फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल टेम्पोरल लिम्बिक सिस्टम वायरस है, या उसके अंदर जो हाइपोकैम्पस है जो मेमोरी से है, ये इन सब की जो आमतौर पर कंपोजिशन होती है जब ये नॉर्मल से डिविएट करती है, या तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो हैं जिन पर मैंने आपसे नाम लिया, ये नॉर्मल से अगर ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है, अल्टीमेटली या नॉर्मलिटी में आते हैं, तो उसका फिर अल्टीमेटली जब एक चीज़ साइज नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है, तो अल्टीमेटली उसका जो फंक्शनल इफेक्ट होगा उस ऑर्गन का, उस स्ट्रक्चर का, अल्टीमेटली उस पर भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा। अल्टीमेटली जो ब्रेन डिफरेंट पार्ट्स हैं उसकी अभी तो नॉर्मलिटी है, क्योंकि फाइबर होती है, मेटल होती है, तो उसकी वजह से जो है कुछ छोटे जहनी मसाइल होते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो कुछ ब्रेन के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि एक तरह के केमिकल मैसेजेस होते हैं जो कि ब्रेन के डिफरेंट हिस्से में उनका इफेक्ट होता है, और कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो आपके मूड को अलर्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कुछ आपके मूड को डिप्रेस करते हैं, डिफरेंट तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि आपके ब्रेन के अंदर फंक्शन करते हैं, और उनमें सीरोटोनिन है, जिसमें डोपामिन है, जिसमें नॉरेपिन है, नेफ्रिन है, ये सारे न्यूरो ट्रांसमीटर किसी न किसी तरह से आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर, आपके मूड और आपके थिंकिंग पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। तो आमतौर पर इनका प्रॉब्लम आता है, ये एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर की अगर नॉर्मलिटी हो तो वो आपके जो ओवर बिहेवियर होते हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपका थिंकिंग होता है, जो आपका एटीट्यूड होता है, उसके फंक्शनिंग में इनकी अबनॉर्मलिटी रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो हम जेंडर की जब हम देखते हैं तो फीमेल्स में कुछ बीमारियाँ ज़्यादा, कुछ मेल में ज़्यादा होती हैं, बच्चों में खासतौर पर अगर बच्चों की हम बात करें तो जो फीमेल बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स में आमतौर पे मूड का प्रॉब्लम, एंजाइटी का प्रॉब्लम या डिप्रेशन का प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू बॉयज़ ज़्यादा होता है, ये बायोलॉजिकल। इसी तरह से जब हम बॉयज़ की बात करते हैं तो बॉयज़ में कुछ कंडक्ट डिसऑर्डर है,
शटर हैं, तो ये सारे के सारे कुछ शटर हैं जो कि 22 में एज कम्पेयर टू, ये एक तरह का बायोलॉजिकल है कि जो आपको बायोलॉजिकल सेटअप है आपकी जो बॉडी का, उसको जो ब्रेन है, ब्रेन के बच्चों के अंदर कुछ जहनी और उससे अपना मिसाइल जो है पैदा होता है और फिर वो उसके अंदर डिफरेंट तरीके से जाहिर होता है। उसके बाद जब हमारे पास सेकंड नंबर पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है उसका ताल्लुक आपके साइकोपैथोलॉजी की उस डोमेन से है जिसमें बच्चा है उसकी उसकी सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है, उसका एक तरह का उसके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर डिफरेंट बॉडी इमेज के इश्यूज आ जाते हैं, उसका सेल्फ परसेप्शन अब नॉर्मल हो जाता है, उसका अपने बारे में एक थिंकिंग जो होती है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, वो एक तरह का होपलेस फील करता है, वर्थलेसनेस उसके अंदर होती है, अपने आप को समझता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये उसकी ताल्लुक उसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है अल्टीमेटली फिर बच्चे के भी होता है, बिहेवियर पैटर्न होता है, जो उसका थिंकिंग होती है, जो उसके एटीट्यूड होता है, जो उसके इमोशन होते हैं, उसमें ये रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो होता है वो आमतौर पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जैसे आजकल COVID-19 जो है पेंडेमिक है वर्ल्ड वाइड और हमारा मुल्क उससे इफेक्ट हुआ है, तो ये जो इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट जो स्ट्रेसेस होते हैं, जो डिफरेंट तरह की जो है डिजास्टर्स आप कह रहे हैं जिसमें नेचर डिजास्टर्स कुछ होते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर होते हैं जिसमें सुनामी हो गया, जिसमें रेन हो गया, एक्सेसिव रेन हो गई, जिसमें फ्लड हो गया, जिसके अंदर अर्थक्वेक्स वगैरह हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिफरेंट तरीके से जो है वो करती हैं बच्चे को। इसके अलावा उसकी लाइफ में कोई ट्रामा हुआ, उसने कोई ट्रामेटिक इवेंट अगर देख लिया हो, किसी को एक्सीडेंट होते हुए देख लिया है, किसी को हॉरर मूवी देखी उसने, उसको किसी को मर्डर किया जा रहा है या किसी के साथ वायलेंस किया जा रहा है, जैसे अगर वो ब्लू वेल का उस जमाने पहले जो है वो बच्चे को ये कर देते थे, उसके अंदर इमोशनल इशूज आ रहे थे, उसके बाद में आजकल पबजी नाम की एक गेम है जिसकी वजह से कुछ बच्चों ने सुसाइड भी किया है, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनका ताल्लुक भी आपकी साइकोपैथोलॉजी से होता है या जो आपके मेंटल इलनेस के हिसाब से उसका बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है। इसके बाद जो है पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो हैं, अगर किसी ट्रामा से बच्चा अगर गुजरा है अपनी फैमिली के साथ, तो उस ट्रामा को वो एक परसीव करता है, वो एक परसीव थ्रेट की सूरत में उसके बिहेवियर में जाहिर होता है, उसके बिहेवियर की वजह से उसके अंदर डिफरेंट तरह के इमोशनल प्रॉब्लम्स। ये तो एक ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि पैथोलॉजी जो है वो क्या क्या हो सकती है जिसकी वजह से मेंटल इलनेस में बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकेटिक प्रॉब्लम और बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं, और जो पेरेंट्स जो है जब उनको ले पहले जो उनके अंदर डिनाइल होता है, लेकिन अगर पेरेंट्स की जाए उनको अंडरस्टैंड बनाया जाए कि आपके बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और उसका रीज़न ये है, तो फिर जब वो अपने इन्वायरमेंट में अपने बायोलॉजिकल सेटअप में या अपने जो भी उनका एक इन्वायरमेंट है उसको वो प्रोब करेंगे, तो अल्टीमेटली उनको पता चलता है कि बाकी कोई ना कोई बच्चे की लाइफ में स्ट्रेसेस हैं जिसकी वजह से उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद अब ये है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों के अंदर जो मेंटल इलनेस की जो प्रॉब्लम आते हैं उनको हम डिफरेंट तरह से कैटेगराइज करते हैं, जिसमें सबसे पहले उनमें मूड डिसऑर्डर आता है, मूड डिसऑर्डर में उनके अंदर एंग्जाइटी या उनके अंदर डिप्रेशन के अलावा होते हैं। सेकेंड में जो है उसके अंदर बच्चों के अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट के इशूज आते हैं, उनकी पर्सनैलिटी नॉर्मल पर्सनैलिटी पैटर्न होता है जिसकी वजह से उनके अंदर साइकोपैथिक बिहेवियर है, उनके अंदर उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर आते हैं। उसके बाद में फिर उसके अंदर जो है पर्सनैलिटी के
उसके बाद उसमें साइकोटिक प्रॉब्लम जिसमें शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसमें आते हैं, जिसके उनकी इनसाइट ख़त्म हो जाती है, उनके अंदर एक थिंकिंग के अंदर बिहेवियर आता है जो ना सिर्फ उनके लिए हार्मफुल होता है बल्कि दूसरों के लिए आ जाता है। नंबर चार पे फिर उसके अंदर कुछ ईटिंग डिसऑर्डर आते हैं, कुछ बच्चे जो है वो बहुत ही कम ईटिंग करते हैं, कुछ में एक्सेसिव ईटिंग होती है, और वो ईटिंग डिसऑर्डर भी एक एंटिटी है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा होते हैं। उसके बाद में कुछ एलिमिनेटिंग डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर बच्चे जो है उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होती, उनके अंदर बेड वेटिंग होती है, या तो वो स्कूल कपड़ों में पास कर देंगे या यूरिन पास कर देंगे, और डे टाइम में भी ऐसे करते हैं और अपने स्कूल पास कर देंगे यूरिन पास कर देंगे, तो ये एलिमिनेटिंग डिसऑर्डर आते हैं। उसके बाद में कुछ बच्चों में जो है वो कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ या कुछ नारकोटिक यूज़ के भी इशूज़ आते हैं, जो कि आमतौर पर 8-9 साल या 10 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, जो उसके बाद जो एडोलेसेंस एज में होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिनका ताल्लुक जो है ना आपके जो है एडिक्शन से होता है, और ये एडिक्शन की वजह से वो उनके अंदर डिफरेंट तरह के बिहेवियर और साइकोलॉजिकल इशूज़ जो है वो पैदा होते हैं। ये डिफरेंट तरह के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं, साइकेटिक प्रॉब्लम हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं बच्चों के अंदर जो होते हैं। उसके बाद में ये है कि अब बच्चों के अंदर जो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं इसकी जैसे मैंने आपको ये कैटेगराइजेशन बताई, फिर सबसे आम तौर पे जो बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम आता है वो सबसे मेन जो बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल या साइकेटिक प्रॉब्लम वो उनका बिहेवियर प्रॉब्लम आता है, जो कि आमतौर पर 17 साल की उम्र के बच्चों में आमतौर पे मोर देन 7% ये आमतौर पे होता है। और उसके साथ साथ जो है फिर बच्चों के अंदर बहुत सारे दूसरे इश्यूज आते हैं जिसके अंदर एंजाइटी होता है, तो एंजाइटी भी होती है, और उसके बाद जो है बच्चों के अंदर जो है कुछ साइकोटिक प्रॉब्लम आते हैं जो कि आमतौर 2-3% होते हैं। ये सारे के सारा इनकी कैटेगराइजेशन होती है। और उसके बाद जो इनके अंदर जो सिम्टम्स आती है, मैं कुछ सवाल देखूँ, अब जो है जो ये डिफरेंट तरह के जो साइकोटिक और साइकेटिक जो प्रॉब्लम है इनकी एटियोलॉजी मैंने आपके साथ शेयर कर ली, इनकी मैंने इनकी जो कैटेगराइजेशन है। अब जो है अब इंडिविजुअली हम बात करते हैं कि बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं उसकी आमतौर पे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके लिहाज से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो बच्चों के अंदर जो है वो उनके अंदर डिफरेंट तरह के जो स्कूलिंग के इश्यूज आते हैं, सबसे जो मेन इशू आते हैं आमतौर पे जो बच्चों के अंदर जो जब बिहेवियर प्रॉब्लम जब सरफेस पे आते हैं तो उसकी जो है सबसे मेन जो रीज़न होता है वो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आता है। बच्चों में आमतौर पे स्कूल की तरफ से एक तरह की कंप्लेंट आती हैं कि ये बच्चा पहले जो है क्लास में ओबीडियंट था, अटेंटिव था, और प्रॉपर वे में चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता था, और इसका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा था, लेकिन अभी कुछ अरसे से इसके अंदर एकेडमिक डिक्लाइन आ गई है। ही इज़ हैविंग एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, ही इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल, ही इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द क्लास, तो उसके रूल्स की वायलेशन का एक इशू आ जाता है, उसके एकेडमिक अचीवमेंट का उसमें आ जाता है, और फिर उसके बाद में पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेन भी पेरेंट्स के लिए भी कंप्लेन आती है टीचर्स की तरफ से कि ये गैंग फॉर्मेशन में चला गया है, ये डिफरेंट तरह के ग्रुप्स बना रहा है, ग्रुप्स बना के ये डिफरेंट तरीके से दूसरों को जो है वो असॉल्ट भी करता है, या उनको डिफरेंट तरह से उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, या उसके डिफरेंट जो है वो एब्यूजिव लैंग्वेज उसकी तरफ यूज़ होती है, या बच्चा जो है दूसरों को फिजिकली अब्यूज़ करता है। ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम होते हैं ये आमतौर पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो उनका स्कूल होता है, उनके स्कूल की तरफ से ये आमतौर पे प्रॉब्लम आते हैं। और फिर उसको पेरेंट्स का ये इसमें काम होना चाहिए कि फिर उसके स्कूल पूछें भाई कि इसकी जो है वो
किस सेटिंग में ये रह रहे हैं, इसके फ्रेंडशिप क्या है, इसके पीयरशिप क्या है, फिर जब वो चीज़ों का अंडरस्टैंड करते हैं तो उनको देखना चाहिए कि जब बच्चा जो है वो जो सफ़र कर रहा होता है वो मोर देन वन कॉन्टेक्स्ट में वो ये प्रॉब्लम इन्वॉल्व होता है। उसमें पहला तो उसका होम होता है कि होम में अपने घर में भी वो कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर है, फिर उसके बाद में उसका जो स्कूल में उसका अबनॉर्मल बिहेवियर है, फिर उसके वहाँ भी उसका अबनॉर्मल बिहेवियर। तो अगर वो तीनों सेटिंग में जिसमें उसका स्कूलिंग है, जिसमें उसका होम है, जिसमें उसके इन्वायरमेंट है या कम्युनिटी है, जो उसकी सोसाइटी है जहाँ पे वो रह रहा है, जो उसके पीयर से, अगर सब जगहों पे उसको सेम प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होता है और ये रिफ्लेक्ट करता है तो कोई ना कोई एक्सटेंसिव किस्म का कोई साइकोलॉजिकल इशू है जो कि उसकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके अंदर आ रहा है। तो इस लिहाज से फिर जब हम इन चीज़ों को जब तो इसकी भरी होती है तो अल्टीमेटली वो सबसे पहला जो उनका जो फिजिशियन होता है वो उनका फैमिली फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर के सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होता है, जो उनके फैमिली इश्यूज़ को, मेंटल इश्यूज़ के अलावा जो उनके फिजिकल इशू है, जो उनके डे टू डे इलनेस होते हैं उनको देखता है। तो पेरेंट्स आमतौर पे फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, फैमिली फिजिशियन जो है वो अपनी कैपेसिटी उसको असेस करता है। तो फैमिली फिजिशियन जो भी उसके सिम्टम होती है वो आमतौर पे वो उनके साइकोलॉजिकल डोमेन्स की तरफ वो कम ही उसको एड्रेस करता है। वो आमतौर पे जो भी सिम्टम होते हैं उनको फिजिकल इलनेस के हवाले से ट्रीट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसको हेडेक हो रहा है तो वो उनके कहेगा कि इसका सीटी स्कैन करा लें, इसका एक्सरे करा लें, वो एक्सरे करा लेते हैं, सीटी स्कैन करा लेते तो नॉर्मल होता है। अगर बच्चे को एब्डोमिनल प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए आमतौर पर उनको दवाई दे दी जाती है, उनको डीवर्म कर दिया जाता है, फिर आप टाइट स्टिमुलेंट उसको दे दिया जाता है ताकि उसकी भूख का इशू ख़त्म हो जाए अगर उसको है तो। उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड करा लिया जाता है, फिर उसका एक्सरे करा लिया जाता है, फिर बहुत ही रेयर केसेस में उनका सीटी स्कैन या एमआरआई एब्डोमेन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। इसी तरह से बच्चे में अगर कोई चेस्ट की तरफ जाते हैं, एक्सरे नॉर्मल होता है, फिर उसे ब्लड टेस्ट करते हैं। अल्टीमेटली जी पी शिप पे या जो जनरल प्रैक्टिशनर लेवल पे आमतौर पे जब बच्चों को लेके जाया जाता है तो आमतौर पे जो बच्चों का जो साइकोलॉजिकल इशू है वो आमतौर पे हेल नहीं होता, वो एक तरह का सिम्टम्स के लिहाज से उसको ट्रीट करते हैं, उससे आमतौर पे पार्शली तो रिकवर हो जाता है लेकिन कम्प्लीट सोल्यूशन की तरफ बच्चों के जो प्रॉब्लम नहीं जाता। तो अल्टीमेटली या तो ट्रीटिंग फिजिशियन जो होता है वो उनको रेफर करता है, या पेरेंट इटसेल्फ किसी जराए से या किसी रेफरल सोर्स के साथ, फिर वो किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हो सकता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, जो साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। तो अल्टीमेटली जब वो ये इन प्रोफेशंस के पास जब पेरेंट जाते हैं तो अल्टीमेटली ये पॉइंट होता है जहाँ पे उनके बच्चे के साइकोलॉजिकल इश्यूज की सोल्यूशन की तरफ जो है वो चीज़ें जाती हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आमतौर पर पेरेंट्स साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास उस वक्त जाते हैं जब उनके अंदर बच्चे की बीमारी के हवाले से डिनाइल फेज बनी होती है। अगर उनके अंदर डिनाइल है, नहीं बच्चा है, चार साल का बच्चा है, छः साल का बच्चा है, उसको क्या प्रॉब्लम होगा, क्या साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगा, उसको बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो अगर पेरेंट्स के अंदर ये डिनाइल है, उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आमतौर पर जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अप्रोच नहीं करते, वो अल्टीमेटली किसी कंसल्टेंट के पास चले जाएंगे, किसी फैमिली फिजिशियन के पास चले जाएंगे, किसी सीनियर पीडियाट्रिशियन के पास चले जाते हैं। लेकिन फिर फॉर्चुनेटली जो मेरे बहुत सारे सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, जो सीनियर लेवल के जनरल फिजिशियन हैं, दे हैव सफिशेंट नॉलेज अबाउट द मेंटल हेल्थ इशूज ऑफ द चाइल्ड। तो आमतौर पर वो किसी न किसी कैपेसिटी में उनको हल करने की कोशिश करते हैं। और आमतौर पर देखा गया है, जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है, कि आमतौर पर सीनियर पीडियाट्रिशियंस के पास जाने से बच्चे के अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, जो बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं, वो उनके जो ट्रीटमेंट है जो कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स वगैरह भी यूज़ कराते हैं, उससे किसी हद तक हल हो जाता है। लेकिन ये जो हल होता है ये टेम्परेरी होता है, ये 2-4 महीने के लिए होता है। फिर किसी एक वक्त जब बच्चा जो है वो दोबारा स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाता है, जब उसकी कॉपिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, जब उसके अंदर
चीज़ों को मेंटल मैकेनिज्म को यूज़ करके उनको जो है रिजॉल्व करने की क्या क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें दोबारा जो है ये सिम्टम्स जिसके अंदर साइकोलॉजिकल सिम्टम आती हैं और वो पहले से ज़्यादा एग्रेसिव फेज में आती हैं, और फिर उसके लिए अल्टीमेटली फिर पेरेंट्स जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो फिर अल्टीमेटली उनको किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट या जो कि उनके बच्चों का जो मेंटल हेल्थ इशू होता है उसको प्रॉपर वे में एड्रेस। थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास जब बच्चे जो आते हैं तो आमतौर पे जो किस तरह के आमतौर पे कुछ बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, कुछ के अंदर ADHD होता है, कुछ के अंदर ऑटिज्म होता है, कुछ के अंदर एपिलेप्सी होती है, कुछ कुछ के साथ कुछ मीग्रेन का प्रॉब्लम होता है, और कुछ के साथ कुछ बार दफ़ा ये देखा गया है कि कुछ फिजिकल एब्यूज़ की कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ के अंदर बार दफ़ा में कुछ क्लू मिलते हैं शायद उसमें कुछ सेक्सुअली एब्यूज़ का भी एलिमेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हमारे पास आते हैं तो हमें पता होता है, वो एक प्रॉपर असेसमेंट होती है, उनको प्रॉपर तरीके से उनको असेस किया जाता है, उनको प्रॉपर तरीके से एवेल्यूट किया जाता है, जिसमें उनकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री होती है, जिसमें बर्थ हिस्ट्री भी होती है, जिसमें उनकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है, जिसमें उनके माइलस्टोन वगैरह होते हैं, उसके अलावा उसकी ड्रग होती है, उसकी सोशलाइजेशन के बारे में उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर अल्टीमेटली जो है फिर हम बच्चे को अगर कुछ उसका स्कूलिंग का प्रॉब्लम है तो फिर उसका उसके IQ लेवल को फिर डिटरमाइन किया जाता है, उसके साथ फिर उसके साथ कुछ उसके बिहेवियर इश्यूज़ को फिर देखने के लिए कुछ डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिकल बैटरी जो कि साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके उसकी बिहेवियर असेसमेंट होती है, फिर अल्टीमेटली साइकोलॉजिस्ट एक ऑथेंटिक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट या साइको असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं जो कि जो ट्रीटिंग फिजिशियन होता है वो चाहे GP हो, चाहे वो पीडियाट्रिशियन हो, चाहे जनरल फिजिशियन हो, या तो उसको उन चीज़ों को जो है रिजॉल्व करने में बहुत हद तक उनको हेल्प मिलती है। तो ये सारा का सारा एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसके अंदर जो हमें बच्चों के जो ज़हनी मसाइल हैं उनको हमें देखना होता है, क्योंकि अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है, जो एक हेल्थ है, जो हेल्थ की डेफिनेशन जो कि WHO ने जो रिकमेंड की है, जिसके मुताबिक जो है हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो जिस्मानी तौर पे या फिज़िकली भी हेल्दी होता है, हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो मेंटली तौर पे या आसाबी तौर पे भी हेल्दी होता है, और जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है वो सोशली तौर पे या सामाजिक तौर पे भी हेल्दी होता है, उसकी सोशलाइजेशन भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए जो है जो WHO की जिस पर फिज़िकल हेल्थ है, जिस पर मेंटल हेल्थ है, जिसमें आपकी सोशल हेल्थ है तो या सोशलाइजेशन है, ये तीनों अगर बच्चे के नॉर्मल होंगे तो बच्चा एक हेल्दी लिविंग में या हेल्दी लाइफस्टाइल में वो सर्वाइव करेगा। अदरवाइज अगर कुछ उसका मेंटल उसको इश्यूज़ को ये अगर है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं या उसके फिजिकल हेल्थ के इश्यूज हैं या उसकी सोशलाइजेशन अगर नहीं है तो अल्टीमेटली उसके अंदर बहुत सारे। अब मैं यहाँ पे कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर आमतौर पर कौन कौन से ऐसे वार्निंग साइन होते हैं या रेड फ्लैग कह लें या जो बहुत इम्पॉर्टेंट उनके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि बच्चे इमोशनल या थिंकिंग का इशू है, एनर्जेटिक वे में आएगा या बहुत ही वो डिप्रेस मूड्स का होगा, अगर सडनली या ड्रामेटिकली उसके अंदर अगर स्लीप के अंदर कोई चेंज आई है, ये बहुत ज़्यादा सो रहा है, ये बहुत ज़्यादा कम, ये बहुत कम अगर सो रहा है, तो ये भी कोई ना कोई उसके अंदर उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रेसर या कोई एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन या कोई साइकोलॉजिकल इशू की तरफ इंडिकेट करता है। उसके बाद देखा गया है कि बच्चे के अंदर कुछ अगर जो इश्यूज हैं जिनका ताल्लुक उसके जो है वो इन्वायरमेंट से है, कोई इन्वायरमेंट के उसके अंदर फियर है, कुछ उसके अंदर खौफ है, कुछ उसके अंदर स्ट्रेस है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी उसके अंदर आती हैं। उसके बाद उसका बच्चे का ईटिंग पैटर्न आता है कि बच्चे के जो ईटिंग पैटर्न इनअप्रोप्रिएट हो जाता है, या तो बच्चे ने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया या बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया। बच्चा पहले एक नॉर्मल डाइट लेता था तो उसकी डाइट या तो बहुत ज़्यादा कम हो गई या उसने एक्सेसिव ईटिंग कर दी, तो दोनों सूरतों में ये इंडिकेट होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद बच्चा अगर ओवरली रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो अपने पीयर्स के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है और उसके अंदर एक वायलेंट बिहेवियर आ रहा है, उसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा है जो कि पहले उसकी पर्सनैलिटी में नहीं था, तो ये एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि उसके अंदर कोई ना कोई कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज उसके अंदर हैं जो कि उसको स्ट्रेस के अंदर लेकर आए। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पुअर एकेडमिक अचीवमेंट, अगर पहले बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट अप टू मार्क थी या जो भी उसका लेवल था, उससे अगर वो लेवल डिक्लाइन अगर होता है तो ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेसर या कोई ना कोई साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जो उसके सरफेस पे आ रहा है। तो ये सारे के सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कुछ एनिमिनेटिंग डिसऑर्डर्स हैं बच्चे के अंदर, उसके अंदर बेड वेटिंग हो रही है या वो गारमेंट्स में अगर स्कूल पास कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है उसके अंदर एक तरह का ये इंडिकेट करती हैं कि उसके अंदर कोई स्ट्रेसेस हैं या कोई उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये सारे के सारे वार्निंग साइंस हैं, अगर पेरेंट्स अगर बच्चे में अगर देखें इनमें कोई अगर साइन उसके अंदर आ रहे हैं तो अल्टीमेटली ये इंडिकेट कर रहे होते हैं, ये वार्न कर रहे होते हैं पेरेंट्स को कि आपके बच्चे के अंदर इन फ्यूचर में खुदा नखास्ता कोई न्यूरो साइकोलॉजिकल इशूज या साइकोपैथोलॉजी की अबनॉर्मलिटी के कोई ना कोई इशूज आ सकते हैं जो कि उसकी ओवरऑल जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसकी ओवरऑल थिंकिंग है या जो उसका ओवरऑल बिहेवियर है उसको अबनॉर्मल कर सकते हैं, और ये चीज़ें जो है अगर बच्चे की पर्सनैलिटी को भी ब्लर करती हैं। ये पेरेंट्स उसको देखें और उसमें कोई उनको चीज़ अगर अबनॉर्मली नज़र आए तो फिर अल्टीमेटली उनको किसी माहिर साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो अब आपको अभी जिक्र किया कि जो होते हैं उसके लिए हमें जो है डिफरेंट तरह के स्ट्रेसेस को देखना चाहिए, तो इनके देखने से ये होता है कि आप पेरेंट्स खुद बेहतर एक पोजीशन में आ जाते हैं कि वो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हमें बच्चे को जो है वो किस तरीके से बिहेव करना है, और अगर पेरेंट्स चाहें तो इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको अपने तौर पे भी जो है वो उनके स्ट्रेसर्स को देख के, जो उसके अंदर एंजाइटी के लेवल है उसको देख के वो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अगर वो खुद उनको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया है तो अगर उस प्रॉब्लम को खुद भी अगर वो एड्रेस करना चाहें, अगर वो किसी न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ना भी जाना चाहें तो खुद भी उन चीज़ों को वो एक हेल्दी वे में उनको एड्रेस करके उनके सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ जाके जो है उनको जो है डिनाइल फेस से बाहर आना पड़ता है, और बाहर आना पड़ेगा अगर उन्हें बच्चों का इलाज कराना है तो, अदरवाइज अगर वो डिनाइल फेज में होंगे कि नहीं हमारे बच्चे में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, अल्टीमेटली ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि उनको उनको किस तरीके से उनको हैंडल किया जाए। अब जब उसकी इंटरवेंशन की मैं की तरफ आता हूँ कि उनमें क्या क्या इंटरवेंशन आमतौर पर होती हैं, तो उस लिहाज से जो सबसे पहले होता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि उसके बच्चे की एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट बनती है। उसके बाद फिर जब इंटरवेंशन की बात आती है तो आमतौर पर देखा ये गया है कि इंटरवेंशन में जो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है उसको आमतौर पे दूसरे नंबर पे रखा जाता है, और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल है जिसमें साइकोथेरापी होती है, जिसमें बिहेवियर थेरापी होती है, जिसमें ग्रुप थेरापी होती है, जिसमें काउंसलिंग होती है, वो आमतौर पे पहले नंबर पे आती है, क्योंकि आमतौर पे बच्चों को साइकोट्रॉपिक ड्रग्स या ट्रैंकुलाइजर या जो डिफरेंट तरह के मूड स्टेबलाइजर ड्रग हैं उनसे आमतौर पर बच्चों को बचाना चाहिए जहाँ तक हो सके, अगर बच्चे अगर बच सकते हों फार्माकोलॉजिकल थेरापी से उसके लिए बेहतर। आमतौर पर यही होता है, ये ट्रेंड है कि पहले बच्चों को साइकोथेरापी की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि प्रॉपर वे में एक साइकोलॉजिस्ट अगर साइकोथेरापी करेगा तो उसका अच्छा आउटकम आ सकता है। फिर बच्चे को जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें कुछ मूड स्टेबलाइजर है, कुछ स्टेबलेंट्स हैं, कुछ नॉन स्टेबलेंट्स ड्रग्स होती हैं, और कुछ बेंजोडिएज़ेपिन्स होते हैं, कुछ स्लीपिंग पिल्स होती हैं, ये सारी की सारी ड्रग उनको देनी पड़ती हैं जिसकी वजह से उनके मूड को जो है ना हम स्टेबलाइज करवाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दोबारा बता दूँ कि अगर आप साइकोथेरापी
की जगह पे अगर आपने फार्माकोलॉजिकल थेरापी का अगर आपने ऑप्शन अपना भी लिया है तो अल्टीमेटली ये एक शॉर्ट टर्म होता है, अल्टीमेटली आपको उसके लॉन्ग टर्म के लिए साइकोथेरापी या उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तरफ जाना ज़रूरी होता है। तो जब तक उसके बच्चे की आप रूट काज की तरफ नहीं जाएंगे, उसके साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक उसको आपको बच्चे के स्ट्रेसर्स का पता नहीं होगा कि कौन कौन से स्ट्रेसर उसके लाइफ में हैं जिसकी वजह से उसके अंदर ये नॉर्मल थिंकिंग पैटर्न या नॉर्मल बिहेवियर या इनअप्रोप्रिएट इमोशंस हैं क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उस वक्त तक आप उसको एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो लिहाजा अगर आप साइकोफार्माकोलॉजिकल का अगर आप ऑप्शन अपनाते भी हैं तो फिर भी अल्टीमेटली आपको उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसको साइकोथेरापी या बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो कि एक माहिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस, अच्छा कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में सूफिया शाह साहिबा का जो सवाल है, अच्छा तो कंडक्ट डिसऑर्डर दे आर वेरी कॉमन इन आवर सेटिंग, जो कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से देखें तो ये आमतौर पर कुछ स्कूलों में भी होते हैं, कुछ होम पे भी हैं, घरों में भी बच्चों के अंदर आपस में जो बहन भाई हैं उनके अंदर भी लड़ाई झगड़े की सूरत हाल पैदा होती है, उसके अंदर चोरी की सूरत हाल भी आती है, उसमें आमतौर पर बच्चों के अंदर आमतौर पर जब ये कंडक्ट डिसऑर्डर आमतौर पर शुरू होता है जो स्कूल एज के अगर हमें बात करूँ तो वहाँ से बच्चों के अंदर जो एक आमतौर पर कंप्लेन आती है कि बच्चे दूसरे का लंच जो है वो उठा लेते हैं या उसको खा जाते हैं, उसकी पेंसिल उठा लेंगे, किसी दूसरे बच्चे की कॉपी उठा लेंगे या कोई भी उसका और जो जो उसके स्टेशनरी या उसमें से कुछ चीज़ों को वो उसमें से शेयर कर लेंगे उनके बताए बगैर, ये असल में स्कूल में कंडक्ट डिसऑर्डर की शुरुआत होती है। फिर अल्टीमेटली ये चीज़ अब आगे बढ़ती है जब प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल तक आते हैं तो फिर ये थोड़ा सा इसका मैग्नीट्यूड, इसकी क्वालिटी भी बढ़ना चाहना शुरू हो जाती है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है होते हैं जिसके अंदर जो है एब्यूजिव पैटर्न भी आ सकता है, जिसमें थेफ्ट भी आ सकता है, और अल्टीमेटली ये जितने भी कंडक्ट डिसऑर्डर हैं उसके साथ आमतौर पे जो है सब्सटेंस अब्यूज का भी एलिमेंट आ जाता है। तो कुछ बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर के बाद उनके अंदर सब्सटेंस अब्यूज या उनके अंदर एडिक्शन की सूरत हाल भी आमतौर पर पैदा हो जाती है, क्योंकि उसको भी हमें प्रॉपर तरीके से किसी एडिक्शन एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पेश आती है। तो अब जब तक जहाँ पे आपने मैनेजमेंट की बात की तो मैनेजमेंट की जैसे मैंने पहले कहा कि हम उसमें आमतौर पे दोनों सूरतों का अपनाना होता है, जिसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल भी है और आमतौर पर फार्माकोलॉजिकल भी है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल से पहले मैं फार्माकोलॉजी की बात करूँगा, तो उसमें आमतौर पर बच्चे के अंदर आमतौर पे हम उनको कुछ मोड स्टेबलाइजर ड्रग्स आमतौर पे देते हैं ताकि उनकी जो थिंकिंग पैटर्न जो नॉर्मल हुआ हुआ है, जो एग्रेसिव पैटर्न हुआ है उसको हम स्टेबलाइज करें। फिर उसके बाद में जो कुछ बच्चों के अंदर हम कुछ ड्रग होती हैं जिसे हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRIs कहते हैं, तो जिसमें फ्लुओक्सिटीन नाम की एक मेडिसिन जिसको सीरो फार्म में अवेलेबल होती है, तो आमतौर पर फ्लुओक्सिटीन दे के उसके हम बिहेवियर को ज़रा स्टेबलाइज करते हैं, उसमें जो एंगजाइटी या डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर की वजह से उनको हम स्टेबलाइज करते हैं। और इन वेरी रेयर केसेस अल्टीमेटली आपको कुछ कंडक्ट डिसऑर्डर के लिए कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग जिसमें फ्रेस्परिडोन है या कोटायापिन है या ओलेंजापिन वगैरह को तरफ हमें जाना पड़ता है, कुछ हमें एंटी साइकोटिक ड्रग देनी पड़ती है। लेकिन आज जब हम एंटी साइकोटिक ड्रग देते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी कॉशियस होना पड़ता है क्योंकि काफ़ी अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, और फिर उसके साथ में उसके अंदर बच्चे के अंदर एक तरह का वो आता है कुछ उसके अंदर सेडेशन का एलिमेंट होता है, फिर उसके साथ कुछ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के कुछ इश्यूज आते हैं बच्चों के अंदर, जो कि किसी भी जो है साइकोट्रॉपिक ड्रग के साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के इशू आ सकते हैं। तो फिर इसके लिहाज से फिर अल्टीमेटली हमें जो है वो इन मेडिसिन को हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम इनको कम से कम डोज में इस्तेमाल करें। उसके साथ फिर हमें
बाद दफ़ा जो है हमें मूड स्टेबलाइजर्स के साथ साथ हमें कुछ बेंजोडाइजेपिन जैसे स्लीपिंग पिल्स हैं उनकी तरफ जाना होता है ताकि बच्चे की जो है नींद जो है वो सही हो जाए, और उसको नींद का अगर कोई इशू है तो फिर हमें कुछ बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की तरफ जाके कुछ हमें उनको स्लीपिंग पिल्स या ट्रैंकुलाइजर हमें उसको देने पड़ते हैं ताकि उसके हम उसको हम काम क्वाइट उसको हम कर सकें। उसके बाद फिर अल्टीमेटली फिर हमें साइकोलॉजिस्ट की एक हेल्प चाहिए होती है, फिर एक साइकोलॉजिस्ट फिर उसके उसके अंदर जो अर्ज हैं जो उसके अंदर जो ट्रिगर्स हैं और उसके अंदर जो डिफरेंट तरह की जो एक एनजाइटी की सूरत हाल है जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो उसको सरफेस पे लाने के लिए फिर साइको एनालिटिक अप्रोचेज यूज़ करके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उसको डिफरेंट तरीके से उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके जो लाइफ के स्ट्रेसेस हैं उसको देखते हैं, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को देखते हैं, फिर उसके आईक्यू को चेक करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को फिर इनकॉर्पोरेट करके अल्टीमेटली एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनती है जिससे हमें पता चलता है कि इसके कंडक्ट डिसऑर्डर के पीछे कौन सा मोटिव था या कौन सा एम्बिशन था जिसकी वजह से बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ जो है जा रहा है। अब यहाँ पे सुफिया शाह साहब का एक और सवाल आया है कि शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिया जो है वो जो एक तरह का साइकोटिक डिसऑर्डर है और ये बच्चों में भी होता है और अभी बच्चों के चाइल्डहुड शिज़ोफ्रेनिया की एंटिटीज डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में आ रही हैं जो कि बच्चों के अंदर भी डिफरेंट तरह के शिज़ोअफेक्टिव प्रॉब्लम आते हैं जिसमें उनके अंदर साइकोटिक फीचर्स आते हैं, लेकिन ये साइकोटिक फीचर ये शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर या शिज़ोफ्रेनिया के लाइक जो सिचुएशन होती है वो बड़ों से मुख्तलिफ होती है। उसकी वजह क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट प्रॉब्लम में चाहे वो डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो या शिज़ोफ्रेनिया वो बड़ों से डिफरेंट होता है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे आमतौर पर एक इवॉल्विंग फेज में होते हैं और उसके हर एज की अपनी एक ख़ास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है किसी खास बीमारी की। तो बच्चा अगर एक 7-8 साल का है तो उसमें साइकोटिक फीचर्स कुछ और होंगे, जब बच्चा 10-12 साल का है साइकोटिक फीचर कुछ और होंगे, जब एडोलेसेंस में जाएगा 15-16 साल उसके साइकोटिक फीचर्स कुछ और होंगे। तो आमतौर पे जो है बच्चों में जो मेंटल हेल्थ के इशूज़ की जो सिम्टम्स की फिक्सेशन होती है वो प्रॉपर नहीं होती और वो एज अप्रोप्रिएट होती है, तो एज के लिहाज से उनकी साइन सिम्टम आमतौर पर चेंज होती रहती है। तो इन्होंने जो जिक्र किया कि 9-10 साल के बच्चे में शिज़ोफ्रेनिया की तरह का प्रॉब्लम या शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर या साइकोटिक फीचर्स हो सकते हैं, उसका जवाब यस में होगा। और बच्चों के अंदर आमतौर पर जो होते हैं इनमें आमतौर पर फियर होता है, इनके अंदर आमतौर पर कुछ हेलुसिनेशन हो सकती हैं, कुछ इल्यूजन हो सकती हैं, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम जब आते हैं तो अल्टीमेटली ये ज़ाहिर करते हैं कि उनकी कोई शिज़ोफ्रेनिया लाइक सिंड्रोम है। फिर अल्टीमेटली जब शिज़ोफ्रेनिया लाइक सिंड्रोम या कोई साइकोटिक फीचर बच्चे के अंदर है तो अल्टीमेटली फिर उसके लिए आपको उसका जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स की सूरत में होता है, तो हमें आमतौर पर एंटी साइकोटिक ड्रग उनको डिफरेंट तरह के ड्रग यूज़ करेंगे जो उनका ट्रीटिंग साइकेट्रिस्ट है वो बेहतर तौर पे सिलेक्ट कर सकता है कि बच्चे की एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसकी बॉडी फिजिक के हिसाब से कौन सी जो है उसने एंटीसाइकोटिक जो है वो सिलेक्ट करनी है, क्योंकि एंटीसाइकोटिक्स के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इनसे कुछ वेट गेन का इशू भी आता है, इसमें कुछ डायबिटीज़ का इशू भी आता है, इसमें कुछ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के इशू भी आते हैं। तो ये ट्रीटिंग फिजिशियन जो होता है या ट्रीटिंग साइकेट्रिस्ट होता है उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि वो बच्चे के लिए कौन सी जो है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग सेलेक्ट करे जो कि उसके उसके पूरे सिनेरियो में के लिहाज से, अगर स्कूल जाएंगे ताकि उसकी स्कूलिंग डिस्टर्ब ना, अगर वो काम काज करता है तो उसकी जो है उसके ऑक्यूपेशनल उसके जो प्रोफेशन है वो उसे हेल्प ना हो, तो इसके लिहाज से उनको प्रॉपर वे में उनको जो है वो ट्रीट करना होता है। और ये आमतौर पर जब किसी पेशेंट को शिज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक फीचर्स होते हैं तो आमतौर पर ट्रीटमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता है, आमतौर पर लॉन्ग टर्म होता है। और फिर अल्टीमेटली जैसे मैंने पहले कहा उसके लिए उसके जो लाइफ के स्ट्रेसर्स हैं, जो उसके डिफरेंट जो लाइफ के शॉर्ट कमिंग हैं, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उसके लाइफ में जो कि
सर्फेस पे आते हैं साइकोलॉजिस्ट की असेसमेंट के लिए, उनको एड्रेस करना ज़रूरी होता है। जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो इसके बहुत मुश्किल होता है कि हम इसके डिफरेंट चीज़ों को हम प्रॉपर वे में एड्रेस कर सकें। ये जो क्वेश्चन आया सूफिया शाह साहिबा का कि जो कंडक्ट डिसऑर्डर हैं अल्टीमेटली वो एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी की तरफ जाते हैं, तो इसका कोई जवाब भी मेरा यस की तरफ होगा। अल्टीमेटली ये कंडक्ट डिसऑर्डर ही होते हैं जो कि बचपन में अगर शुरू होते हैं तो बचपन में शुरू होकर फिर ये आस्ता आस्ता इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती रहती है, इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती रहती है, फिर इनका पैटर्न भी चेंज होता है। जैसे मैंने एज के हिसाब से बताया कि एक बच्चा अगर स्कूल में है तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर में क्या करेगा, वो एक प्राइमरी क्लास का बच्चा किसी की पेंसिल चोरी कर सकता है, उसके बाद जब बच्चा उससे बड़ी क्लास में जाएगा तो फिर हो सकता है उसकी पैसे वाया चोरी करे, फिर उससे बड़ी क्लास में जाएगा तो कुछ और भी वो कर सकता है, फिर उसके बाद में उसके अंदर कुछ डिफरेंट तरह के दूसरे कंडक्ट डिसऑर्डर की अलामतें आ सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर कुछ यूज़ ऑफ नारकोटिक भी उसमें अंदर आ सकता है। तो आमतौर पर जो ये जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं बच्चे को उनमें अल्टीमेटली इसको कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते कि बच्चा जो एक कंडक्ट डिसऑर्डर का है या एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी का जो एक इंडिविजुअल है वो जो है कुछ अर्से के बाद किसी न किसी ड्रग एब्यूज़ की तरफ या नारकोटिक यूज़ की तरफ जा सकता है। और उस लिहाज से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो क्योंकि बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं वो सारे के सारे इवॉल्व करते हैं उनके अडल्टहुड पर, अडल्टहुड के बाद फिर उनके करेक्टर उनका बन जाता है। तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों के जब वो पहले दफ़ा कोई एंटी सोशल एक्टिविटी करें आप उस वक्त उनको रोकें, उनको प्रॉपर आप उसको प्रोब करें, और अगर हो सके तो उसकी पूरे रूट काज तक जाएँ कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया। फिर अल्टीमेटली इन चीज़ों को फिर जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में या डिफरेंट तरीके से इंटरवेंशन के ज़रिए जब हम इसको देखते हैं तो आप एक बेटर सॉल्यूशन की तरफ या बेटर आउटकम की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे ये आता है कि ये जो बच्चों के अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं उसमें पेरेंटिंग लाइफस्टाइल या पेरेंटिंग बैड पेरेंटिंग का कितना रोल होता है। अब मैं ज़रा इस पर बात करना चाहूँगा। आमतौर पे जो बच्चे जो हैं आमतौर पे ये दूसरों से चीज़ें परसीव करते हैं या अपने एनवायरनमेंट चीज़ों को परसीव करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके अंदर आमतौर पे एक चीज़ों को जो है इमिटेट करने का एक एलिमेंट होता है। तो ये जो इमिटेशन होती है या इमिटेशन असल में वो पेरेंट्स की तरफ से आते हैं। अगर पेरेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली बच्चे के अंदर भी वो एक क्यूरियोसिटी होती है, वो भी स्मोकिंग की तरफ जाता है। अगर मियां बीवी आपस में झगड़ रहे हैं, दूसरे के अब्यूज़ कर रहे हैं, फिजिकली अब्यूज़ कर रहे हैं, वर्बली अब्यूज़ कर रहे हैं, तो असल में बच्चा उन चीज़ों को परसीव करता है, उनको इमिटेट करता है, फिर उसको रियल लाइफ में वो फिर उसको अप्लाई करता है। तो पेरेंटिंग स्टाइल का भी बड़ा इसके अंदर रोल होता है। अगर पेरेंटिंग स्टाइल इनअप्रोप्रिएट होगा तो उसकी वजह से भी बच्चों के अंदर इन फ्यूचर डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या कंडक्ट डिस्टर्ब होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इस लिहाज से आमतौर पे पेरेंट्स के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि अगर उनके पेरेंटिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको वो किसी पॉजिटिव तरीके से किसी एक स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में आइसोलेशन में किसी एक अलग कमरे में बच्चों से दूर रह के उसको डिस्कस करें। अगर वो बच्चों के सामने उसको डिस्कस करेंगे तो बच्चे जो है उसको परसीव करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, और फिर वो हैबिट जो है फिर वो बच्चों के अंदर आमतौर पर डेवलप हो जाता है। तो इस लिहाज से पेरेंटिंग का बड़ा अहम इसमें रोल है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो बच्चे जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर या बिहेवियर डिसऑर्डर या एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन या कुछ चाइल्डहुड शिज़ोफ्रेनिया या किसी भी तरह के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइकेटिक प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो प्रॉपर वे में अगर साइकेट्रिस्ट उनको डायग्नोज कर लेता है, तो पेरेंट्स के लिए कुछ ड्यूटीज़ हैं
जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी डॉक्टर ने उनको ट्रीटमेंट एडवाइस की है उनको वो प्रॉपर डोज में प्रॉपर ड्यूरेशन के तौर पे उनको देना चाहिए, उसमें ना ही डोज में कुछ कमी करें ना ही उसके ड्यूरेशन में कमी करें। और आमतौर पे होता है कि जब बच्चों को कोई दवाई दी जाती है तो वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं ये तो आपने दवाई दी, ये तो मेरा फलाना जानने वाला था, मेरा दोस्त था या फलाना बंदा था, उसको तो शिजोफ्रेनिया था, उसको दिया था तो आपने मेरे बच्चे को ये दे दिया, ये तो पागलों में की खुदा ना खास्ता दवाई है, ये तो मेरे बच्चे को और ख़राब कर देगी, ये आपने क्या लिख के दे दिया। तो अल्टीमेटली जब बच्चों के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि जो भी उनका ट्रीटिंग फिजिशियन है उस पर वो ट्रस्ट करें, जो उसने चीज़ें एडवाइस की हैं इन द ट्रू स्पिरिट इन टर्म्स ऑफ डोज ड्यूरेशन के हिसाब से उसको दें, उसमें अपने तौर पे कोई किसी किस्म की चेंजेस ना लेके आए। हाँ अलबत्ता जैसे ड्रग्स हैं, जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं, जो मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स हैं, जो CNS स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं या CNS नॉन स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ उनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, कुछ अनवांटेड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर बच्चे के अंदर कोई ऐसा वो इफेक्ट जो कि अनयूजुअल है, जो कि उनके जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उससे अगर हट के उसके अंदर हो रहा है तो ये पेरेंट्स शेयर करें, डॉक्टर वो समझेगा तो अल्टीमेटली वो उसको चेंज कर देगा। लेकिन डॉक्टर के अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के इलम में लाए बगैर कोई किसी किस्म की डोजिंग में कोई चेंजिंग ना करें। डोजिंग में चेंजिंग करेंगे तो फिर बच्चे के अंदर उस ड्रग की वजह से विड्रॉल सिम्टम्स आने के चांस होते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स से मुराद है कि एक बच्चा जो है किसी एक प्रॉब्लम के लिए किसी खास एक मेडिसिन से मुकम्मल तौर पर वो एक नॉर्मल वे में था, वो बिल्कुल उससे हेल्दी था, वो कंट्रोल में था, लेकिन पेरेंट्स ने जो है किसी शख्स के कहने पे उसने दवाई में कमी कर दी या दवाई बंद कर दी, तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली उसके अंदर बच्चे के अंदर कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो कि उसकी एक्चुअल जो प्रॉब्लम होता है जिसके लिए दवाई दी जाती है उससे वो अलग होता है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर रेस्टलेसनेस हो सकती है, उसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर आ सकता है, उसके अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, उसके अंदर लॉस ऑफ स्लीप हो सकती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ सकता है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो सकता है, वो अपने आप को अलग थलग कर सकता है। ये बहुत सारी साइन सिम्टम्स होती हैं जो कि विड्रॉल सिम्टम में आती हैं, और ये जितने भी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं, जितने मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग हैं, उन सबके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होती हैं, और वो उसी सूरत में होती हैं जब आप मेडिसिन को डॉक्टर के कहे बगैर या उसके एडवाइस के बगैर जब आप उसको उसकी डोज को चेंज करेंगे, उसकी टाइमिंग को चेंज करेंगे। हाँ अलबत्त अगर आपको डोज या टाइमिंग को चेंज करने की कोई ज़रूरत है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो डॉक्टर आपका बेहतर तौर पे डिसाइड करेगा कि उसको आपने दवाई किस वक्त देनी है या उसको दवाई को चेंज करना है या उसके डोज को चेंज करना है। लेकिन अपने तौर पर कभी भी किसी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की डोज को या उसकी टाइमिंग को एडजस्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो कि फिर उसमें आमतौर पर लाइफ थ्रेटनिंग भी होने के चांसेस होते हैं। तो उस लिहाज से जो है मैं इसको समराइज ये करता हूँ कि जितने भी जो बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सेटअप में, प्रॉपर स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में अगर आप जाएं तो वो प्रॉपर तरीके से डायग्नोस होते हैं, प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सकते हैं, प्रॉपर उनको इंटरवेंशन दी जा सकती है जिससे जो है उसका एक आउटकम बेहतर होगा, उसकी रिकवरी बेहतर होगी और आपका बच्चा जो है एक क्राइसिस की सूरत हाल से निकल के एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ, एक नॉर्मल स्कूलिंग की तरफ, एक नॉर्मल सोशलाइजेशन की तरफ एक बेहतर तरीके से आ सकता है। और उसके लिए पेरेंट्स की जो है प्रॉपर इनपुट या उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे वो साइकोथेरापी हो चाहे वो फार्माकोलॉजिकल थेरापी हो, उसके लिए आमतौर पे ज़रूरी होती है। तो उस लिहाज से जो है जो आज का जो डिस्कशन थी उसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सका टाइम की कमी की वजह से, जिसमें ऑटिज़म है, ADHD है, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के कुछ अग्रेसिव बिहेवियर्स हैं जो आमतौर पे बच्चों में होते हैं,
और ये सारे के सारे जो आमतौर पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में आते हैं, और इनकी वजह से चूँकि बच्चे की जो है डिफरेंट तरह से जो इसकी थिंकिंग होती है, जो इसकी परसेप्शन होती है, जो इसका एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, वो एक एबनॉर्मल वे में प्रेजेंट होता है, और वो बच्चे की जो डिफरेंट तरह की जो उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, जिसमें उसकी स्कूलिंग है, जिसमें उसका होम की एक्टिविटीज़ हैं, जिसके उसके एनवायरनमेंट में, जिसमें उसके प्ले लेजर टाइम है, वो सारे के सारे उससे इफ़ेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक और मैं खास चीज़ बता चलो कि आपका बच्चा अगर एक नॉर्मल वे में चल रहा था और अचानक वो एकदम आइसोलेट होना शुरू हो गया, उसने अपने आप को या वो एक तरह का अलूफ होना शुरू हो गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन होता है कि आपके बच्चे के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी जो वो एनवायरनमेंट को अवॉइड करना चाह रहा है, वो स्ट्रेसर्स को अवॉइड करना चाह रहा है। ये उस वक्त होता है जब उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी या टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये फिर एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन या टेंशन जो है वो उसके अंदर बहुत सारे जो है न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेके आती है, जो कि ना सिर्फ उसकी फिज़िकल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी प्रॉपर सोशलाइजेशन, उसकी एकेडमिक अचीवमेंट, उसकी एकेडमिक एक्सीलेंस, ये सारी चीज़ों पे उसका आमतौर पे इफ़ेक्ट आता है। तो उस लिहाज से जो है बच्चों को आप जितना फ्रेंडली वे में हैंडल करेंगे, जितना उनको आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट देंगे, जितना उनको आप फ्री इन्वायरमेंट देंगे, उतना वो बेहतर तरीके से जो है वो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करेंगे, और फिर वो इन्वायरमेंट में अपना इनपुट देंगे, और फिर उससे उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी भी एक अच्छी डेवलप होती है, और फिर उनकी अल्टीमेटली जो स्कूलिंग है, फिर उनके जो लाइफ के एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारे के सारे एक तरह के बेटरमेंट की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे एक सवाल है कि तो ये एक साहब का सवाल आया साजिद जफीर साहब का कि कोरोना के इन्फेक्शन के बाद डिप्रेशन हुआ है। दरअसल में कोरोना के इन्फेक्शन में आमतौर पे चूँकि किसी भी शख्स को आइसोलेट किया जाता है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसको आइसोलेशन में रखा जाता है, उसको क्वारंटाइन किया जाता है, क्वारंटाइन में अकेला रहने की वजह से उसके अंदर बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं। तो ये आप इंशाल्लाह जो आपको जब प्रॉब्लम है, तो चूँकि आपकी सोशलाइजेशन जब बेहतर होगी, अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपने सोशल कॉन्टैक्ट को अच्छा रखें, लेकिन बात वही है सोशल कॉन्टैक्ट को अच्छा रखें, लेकिन जो उसके अंदर डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप मनोज खाता रखें, तो इंशाल्लाह आपको मेरे ख्याल है किसी दवाई की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना मैं आपको एडवाइस करूँगा कोई आप दवाई लें, सिर्फ अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, नेचुरल और हेल्दी डाइट लें, और कोशिश करें कि सन एक्सपोजर की तरफ जाएं। अगर जितना अच्छा आपका सन एक्सपोजर होगा, जितने अंदर आपके जिसम के अंदर विटामिन डी एक्टिवेट होगी, वो आपके बहुत सारे न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को आपके जिसम से एलिमिनेट करें। तो आज का जो प्रोग्राम जो था वो बच्चों के बारे में था, और कोई आपको क्वायरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो वेब पेज है उस पर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, और मैं आपको दूसरे हमारे जो थेरेपिस्ट हैं वो अप्रोप्रिएट तरीके से उसका आपको जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम।